देश की आबादी 1 अरब 21 करोड़ हो, वहां कोई भी आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर हो ही जाता है। इसलिए हकीकत जानने के लिए आंकड़ों और अनुभव दोनों पर जोर दिया जाना चाहिए। आईएमसी न्यूज की विशेष कड़ी वॉच फॉर लाइफ में आपका स्वागत है। आदाब, मैं हूं तंजील आसिफ। नमस्कार, मैं योगेश कुमार। आईएमसी दिल्ली के 40 स्टूडेंट्स ने एक प्रोग्राम के तहत ग्रामीण जीवन से जुड़ी समस्याओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। यह प्रोग्राम यूनिसेफ, ऑक्सफर्ड, रॉयटर्स और आईएमसी के साझा सहयोग से चलाया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ जर्नलिज्म कोर्स की भारत में ये पहली मिसाल है। इस कोर्स के स्टूडेंट्स ने फील्ड इमर्शन ट्रिप के अंतर्गत राजस्थान और हरियाणा का दौरा किया और वहां की समस्याएं जानने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं, भारत में 60% लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। सही कहा योगेश आपने, ग्रामीण इलाकों में तो ये समस्या और भी गंभीर है। आइए देखते हैं इसी पे हमारे सहयोगी आशुतोष की विशेष रिपोर्ट। खुले में शौच भारत की एक गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या इसलिए क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में खुले में शौच करने वालों की तादाद तकरीबन 100 करोड़ है, जिनमें भारत के 60 करोड़ लोग शामिल हैं। यही नहीं, पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था वाटर एड की 2015 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के हर वर्ग किलोमीटर में करीब 173 लोग खुले में शौच करते हैं। इस मामले में दुनिया में भारत पहले स्थान पर है। WHO की 2012 में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 125 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में लगभग 80 करोड़ लोग आज भी शौचालय से वंचित हैं। इस समस्या को समझने के लिए IIMC के छात्रों ने यूनिसेफ द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया। इस दौरान जयपुर यूनिसेफ के कुमार विक्रम ने बताया कि खुले में शौच करना स्वास्थ्य के लिए जितना हानिकारक है, उतना ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा भी। महिलाओं में बढ़ती यौन हिंसा की एक मुख्य वजह खुले में शौच भी है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए लोगों में व्यवहार परिवर्तन की जरूरत बताई। सर, आपने अपने वक्तव्य के दौरान एक जरूरी बात बताई कि कई लोग ऐसे हैं जिनको पैसा मिला हुआ है बनवाने के लिए, घर में बना भी है, इसके बावजूद वो बाहर भी जाते हैं, यानी उनकी संस्कृति का हिस्सा हो चुका है, इसका इलाज क्या है? देखिए, वो संस्कृति का हिस्सा, संस्कृति पहले से चली आ रही है और ये एक सोशल नॉर्म है। इस सोशल नॉर्म को हमें ब्रेक करना पड़ेगा और उसके लिए लोगों को ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा, ये महसूस कराना पड़ेगा कि खुले में शौच करना कितना ख़तरनाक है और खुले में शौच करने से उनके क्या क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसकी सुरक्षा है। ये जब उनको ये एहसास होता है और उसके बाद जब समुदाय के लोग मिलकर खुले में शौच करने को जब असहज बना देते हैं, तो वो जो व्यवहार परिवर्तन होता है और जो सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन होता है, इसी से चीज़ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि आपको खुले में शौच को असहज बनाना पड़ेगा, समुदाय को जोड़ना पड़ेगा। राजस्थान फील्ड विजिट के दौरान छात्रों ने अलवर जिले के एक गांव बंदीपुरा का दौरा कर जमीनी हकीकत जाननी चाहिए। बंदीपुरा के उपसरपंच अंदू खान ने हमें बताया कि शौचालय होंगे ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 30-40% होंगे। अब लोग युवा में लग रहे हैं, सरकार ने की योजना चला रखी है, उसकी सर्वे चल रही है, 12,000 रुपये दे रही है कि भाई शौचालय बनाओ। अब वो 12,000 रुपये सरकार जब देवे जी, वो बन के कम्प्लीट हो जाए तो किसी के पास तो वह पैसा ऐसा है कि वो तो बना रहा है, चालू कर दिया। और बहुत से ऐसे हैं कि यार 12,000 रुपये आ जाएंगे जब बनाएंगे, तो साल, 2 साल 1.5 साल के अंदर मतलब समय लगेगा, शौचालय से आते हैं 50% बन जाएंगे, 90%। सरकारी योजनाओं में शौचालय निर्माण की बात तो जोर शोर से की जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हाल ही में अपनी 99% आबादी को शौचालय मुहैया कराने में सफल हुआ है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। आइए जानते हैं JNU के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव दास गुप्ता से इस सफलता की वजह। सो वन इज़ दैट दे हैव अ ह्यूज NGO नेटवर्क। सो पहला कि बांग्लादेश के पास बड़ा NGO नेटवर्क है जो सरकार के साथ काम करता है। कई सरकारी योजनाएं NGO ही लागू करवाते हैं। इसके अलावा वहां पब्लिक हेल्थ के विषयों पर किए गए शोध भी लागू किए गए। सरकार और समाज दोनों ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन स्वच्छ भारत का निर्माण अब भी एक चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक क्या स्वच्छ भारत का सपना पूरा होगा, यह एक अहम सवाल है।
इन जानलेवा बीमारियों की एकमात्र वजह खुले में शौच ही नहीं, शौच के बाद बिना हाथ धोए खाना भी इन बीमारियों को बुलावा देता है। बिना हाथ धोए खाना खाने से होने वाली बीमारियों में डायरिया सबसे प्रमुख है। डायरिया ही 5 साल तक के बच्चों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी है। पेश है पारस और राकेश की खास रिपोर्ट। हाथ धोना एक आम सी लगने वाली प्रक्रिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। पर शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि भारत की केवल 53% यानी कि लगभग आधी ही आबादी मल त्याग करने के बाद साबुन से हाथ धोती है। खाना खाने और खाना बनाने से पहले के आंकड़े और भी कम हैं। जानलेवा हैं ये आदतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उल्टी दस्त लगने की वजह से हर साल 20 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। इन 20 लाख बच्चों में से हर 5वां बच्चा भारतीय है। जरूरी समय पर यानी कि शौच के बाद खाना खाने और खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ धोने से डायरिया के खतरे को 30-50% तक कम किया जा सकता है। फिर भी हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सैनिटेशनल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 तक पूरा नहीं कर सके। इस समस्या को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर उठाए जा रहे कदमों को समझने के लिए आइए लिए चलते हैं आपको राजस्थान के एक छोटे से गांव बंदीपुरा की ओर। भारत के गांवों में 5 साल से कम उम्र के केवल 6% बच्चों ने कभी शौचालय का इस्तेमाल किया है, और बच्चों के मल में वयस्कों के मल से अधिक कीटाणु और रोगाणु होते हैं। ऐसे में ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े ये बच्चे हाथ धोने जैसी आदतें अपनाकर जहां एक ओर होने वाली मौतों का रास्ता रोकते हैं, वहीं डायरिया से होने वाले कुपोषण रूपी दुष्चक्र को थाम आगामी पीढ़ी को भी स्वस्थ बनाते हैं। तो आप ये रोज हाथ धोते हो? हाँ। धोते हैं। कब कब? जब खाने खाते हैं जब धोते हैं, जब वहां से पीछे धोते हैं, जब बाथरूम करने जाते हैं जब धोते हैं। राजस्थान में स्कूलों की देखरेख में अभिभावकों, शिक्षकों और ग्राम पंचायत के सदस्यों को जोड़कर समस्याओं को सुलझाने की सामुदायिक पहल एक सराहनीय कदम है। आइए सुनते हैं सर्व शिक्षा अभियान के कनिष्ठ अभियंता श्री राजेश लवाणिया जी को। बार बार कम्युनिटी से हमने मीटिंग करी, उसमें हमने सरपंच साहब को इन्वॉल्व किया, उप सरपंच को इन्वॉल्व किया और यहाँ के जो लोग थे उनको इन्वॉल्व किया, और लगभग हमको 6 महीने इस बात में लग गए कि एक स्कूल के प्रति सकारात्मक माहौल बनाया जाए। जनप्रतिनिधि और कम्युनिटी लगातार इस स्कूल को देखती है, तो उनका इस स्कूल से लगाव है। यहाँ की साफ सफाई, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। पर स्वच्छता की ये लड़ाई केवल जागरूकता की कमी से ही नहीं बल्कि संसाधनों के अभाव से भी है। आइए सुनते हैं स्कूल के हेडमास्टर रोशन लाल जी को। जी, हमें 1 साल के लिए 5,000 रुपये स्वच्छता अभियान के तहत मिलते हैं साफ सफाई के लिए, और उसमें 2,000 रुपये तो हमारे टॉयलेट सफाई के लिए दिए जाते हैं, 1,000 रुपये साबुन सर्फ और अन्य साफ सफाई की चीज़ें खरीदने के लिए दिए जाते हैं। नहीं, साफ सफाई के लिए कोई स्टाफ नहीं है, रोज़ प्रतिदिन साफ सफाई करनी पड़ती है, उसमें हम नहीं, बच्चे और हम मिलकर सभी करते हैं। स्कूल में साफ सफाई के लिए कर्मचारी न होने के कारण छात्रों व अध्यापकों को ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बच्चों के हाथ में किताबों की जगह बर्तन व झाड़ू आ जाते हैं। बच्चों में व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए संसाधन मुहैया कराने के साथ साथ हमें भावनात्मक पहलुओं यानी कि इमोशनल ड्राइवर्स से भी हस्तक्षेप करना होगा। स्वास्थ्य पत्रिका लानसेट में आए इस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के तहत इन्हीं भावनात्मक पहलुओं और उनके लोगों के व्यवहार पर प्रभाव पर शोध किया गया। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर द्वारा साझा रूप से यह शोध दक्षिणी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में किया गया। इस शोध के तहत किया गया प्रचार अभियान 3 भावनात्मक पहलुओं पर आधारित था, पोषण, घृणा और संबद्धता। सबसे पहले पोषण। पोषण की अच्छी आदतों पर जोर। सुपर अम्मा नाम के पात्र के जरिए हाथ धोने को बाकी अन्य अच्छी आदतों की तरह ही सिखाया गया। दूसरा, गंदगी से घृणा और ऐसा सामाजिक आदर्श बनाना जिससे लगे कि हर कोई हाथ धोने जैसी आदतों का पालन कर रहा है। खुद से यह सामने आया कि जागरूकता के साथ साथ भावनात्मक पहलुओं पर आधारित अभियान प्रभावी साबित होता है।
इसके द्वारा लोगों में हाथ धोने जैसी आदतें डलवाने जैसे व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। इस शोध के नतीजों को समझने और बड़े स्तर पर लागू करने की ज़रूरत है। स्वच्छ भारत हम सब का सपना है, लेकिन आम बजट में एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में 54.19% की कटौती से यह रहा और भी कठिन होगी। पारस और राकेश की रिपोर्ट। भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन क्या देश के अंदर टीकाकरण हर बच्चे तक पहुंच पाया है? WHO ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त और 2015 में टिटनेस मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन बाकी बीमारियों से लड़ाई अब भी जारी है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी आदित्य की एक रिपोर्ट। ये है राजस्थान का राज्य टीका संग्रहण केंद्र, यहीं से पूरे राज्य में टीके की आपूर्ति की जाती है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं राजस्थान में चल रहे टीकाकरण अभियान के भिन्न भिन्न पहलुओं को यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल अग्रवाल से। दिस इज द अपेक्स स्टोर वेयर दिस इज कॉल्ड स्टेट वैक्सीन स्टोर वेयर द वैक्सीन इज स्टोर्ड एंड फ्रॉम हियर इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड देन इट वुड गो टू द। इस टीका संग्रहण केंद्र से हर जिले तक टीका पहुंचाया जाता है, फिर वहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अंत में टीकाकरण केंद्र तक पहुंचता है। इस कोल्ड चेन के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को टीकाकरण केंद्र तक लाकर मां और परिवार के लोगों को टीकाकरण के प्रति संदेह दूर करना, जिसमें आशा मुख्य भूमिका निभाती है। So there is a complete chain which mobilizes children and mother for bringing them to the session sites. डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने हमें आगे बताया कि इस राज्य टीकाकरण स्टोर में सभी टीकाओं को बड़े फ्रीजर में एक नियमित तापमान में रखा जाता है ताकि टीका खराब न हो, और यहीं से हर दिन राज्य के हर कोने में टीका वितरण होता है। आपातकालीन स्थिति में संग्रहण के लिए इस केंद्र में 26 घंटों का 2 पावर बैकअप लाइन भी जोड़ा गया है। एक नज़र डालते हैं राजस्थान में टीकाकरण से संबंधित कुछ सरकारी आंकड़ों पर। स्क्रीन पर दिख रहे ग्राफ में हरी पट्टी पूर्ण टीकाकरण के आंकड़ों को दर्शा रहा है, जिसके हिसाब से साल 2012-13 में 3/4 आबादी का संपूर्ण टीकाकरण किया गया, जबकि नीली पट्टी के हिसाब से 20% बच्चों का आंशिक टीकाकरण किया गया। भूरी पट्टी के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश के 6% बच्चे अभी भी टीकाकरण से पूरी तरह वंचित हैं। ऐसे में यदि हम दिए गए आंकड़ों का वर्षवार तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि टीकाकरण का दायरा टीकाकरण अभियान के शुरुआती सालों में तेजी से बढ़ा, लेकिन पिछले 2 सालों में इसकी गति धीमी पड़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। टीकाकरण अभियान में आ रही समस्याओं की हकीकत की तहकीकात की हमारे संवाददाता शिबू त्रिपाठी ने। काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे, जैसे कि लोग जो आशा वर्कर बता रही थी वो ये कह रही थी कि जब हम लोगों के पास जाते हैं बोलने के लिए कि आप भाई इम्यूनाइजेशन करवा लीजिए, तो लोग भी काफ़ी रेजिलिएंट होते हैं, ये कहते हैं कि नहीं भाई हम इससे बच्चों को बुखार हो जाएगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो एक जो नेगेटिव इमेज जो बनी हुई है उसको सुधारने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की मुहिम को बल देने वाले ANM या आशा कर्मचारियों की कमी टीकाकरण अभियान की सफलता में प्रमुख बाधा है। आबादी की जरूरत के हिसाब से ANM या आशा कर्मचारियों की संख्या 50% भी नहीं है, और जो हैं भी वे बेहद कम और लेट लतीफी से मिलने वाले वेतन में काम करने को मजबूर हैं। ANM या आशा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हमने स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारी और JNU के प्रोफेसर राजीव दास गुप्ता से बात की, जिन्होंने उनकी समस्याओं के अलग अलग वजह गिनाए। इट इज नॉट दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल डिलेज। सिमिलरली ANM सैलरीज, देयर मे बी सम प्रोसीजरल डिले, बट ANM सैलरीज आर गिवन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन दो दे आर वर्किंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट अंडर, बट सिंस इन स्वास्थ्य परियोजनाओं में पैसों की उपलब्धता की दिक्कत नहीं है, उन पैसों को सही तरीके से खर्च कर पाने की क्षमता में दिक्कत है। राज्य की सीमा से निकलकर हम पूरे राष्ट्र की स्थिति पर गौर करें तो एक और बड़ी तस्वीर सामने आती है। भले ही भारत को टेटनस और पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, पर अभी भी टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति शेष है।
यदि हम यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीकाकरण से संबंधित इन राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि दोनों संस्थाओं के टीकाकरण को लेकर जुटाए गए आंकड़ों में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि अभी भी भारत में टीकाकरण का प्रयास अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा है और बहुत कुछ किया जाना अभी भी बाकी है। हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं, मगर इन प्रयासों और इनकी सार्थकता को परखा जाना अभी भी शेष है। जानते हैं टीकाकरण के क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों से। Coverage. So we are launched that mission Indradhanush. So this is a specific program to identify, like you said, migrant labor, migrant population, which are missing out the immunization and all that. So they have been identified, the brick clean worker, migrant population, and then, you know, pockets and hamlets which are away from the normal population. Mission Indradhanush ko un jilon mein chalaya jayega jahan tikakaran ki pahunch kam hai. मिशन इंद्रधनुष को प्रचार के रूप में चलाना आसान है, पर निरंतर सेवा के रूप में मुश्किल। यदि हम टीकाकरण की स्थिति का सामाजिक विश्लेषण करें तो दलित, गरीब और ग्रामीण समाज टीकाकरण के लिहाज से हाशिए पर है, जिसकी पुष्टि यूनिसेफ द्वारा किया गया रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन भी करता है। इस सर्वे के अनुसार शहरों की तुलना में गांवों में टीकाकरण से 3% लोग ज़्यादा वंचित हैं, जबकि सामान्य जाति के लोगों की तुलना में अनुसूचित जाति या जनजाति में यह अंतर 5% तक बढ़ जाता है। यदि हम सीधे अमीरों और गरीबों की तुलना करें तब तो आंकड़े और भी चिंताजनक हैं, क्योंकि अमीरों के मुकाबले गरीबों में टीकाकरण की कमी का अंतर 9% तक पहुँच जाता है। गरीबों की एक शहर से दूसरे शहर तक पलायन करने से टीकाकरण के सेवाओं को उन तक पहुंचाने में दिक्कत होती है। इन आंकड़ों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए हमने RSOC के आंकड़ों की तुलना मिशिगन विश्वविद्यालय के शोध टीम द्वारा भारत में पूर्ण टीकाकरण को लेकर किए गए सामाजिक अध्ययन से की। मिशिगन विश्वविद्यालय का शोध भी RSOC के परिणामों की पुष्टि करता है, मगर इस शोध ने एक और तथ्य उजागर किया जिसके अनुसार मुसलमानों में हिंदू, सिख, जैन और ईसाई की तुलना में टीकाकरण दर बहुत कम है। हालांकि इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है, मगर फिर भी सरकार और समाज द्वारा किए जा रहे ये पहल विश्वास दिलाने में तो जरूर कामयाब होते दिख रहे हैं कि भारत का भविष्य पूर्ण टीकाकरण के द्वारा रोगमुक्त होगा। पब्लिक हेल्थ की तस्वीर इन चार चीज़ों तक ही नहीं सिमट जाती। तस्वीर जितनी बड़ी है उतनी भयावह और चुनौतीपूर्ण भी, जिसे पूरा करने में सरकार, यूनिसेफ और तमाम NGOs पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंत में इसी उम्मीद के साथ कि भारत जल्द ही स्वस्थ राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में शामिल होगा, IIMC की RTV टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।